यहां सुमंत्र वापस आते हैं और यहां दशरथ जी ने महाराज अपने प्राणों को रोका हुआ है कि सुमंत्र आते हैं। मैंने सुमंत्र से कहा है कि मेरे राम लक्ष्मण को वन दिखा करके ले आना। दशरथ जी ने देखा सुमंत्र खाली आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र आपके साथ मेरा राम नहीं आया। मंत्री सुमंत्र नीचे देख रहे हैं, राजन आपका वचन है कि राम तो 14 वर्ष के लिए गए हैं, लक्ष्मण गए हैं, देवी सीता गई है, लेकिन दशरथ जी का वह हाल है जैसे सुना मेरे राम नहीं आए। वो जो सैया बिस्तर है उस पर लेट गए और मैया कौशल्या को बुलाया, देवी कौशल्या मुझे लगता है आज जो श्राप मिला था मुझे वह श्राप आज सत्य होने वाला है। ये बात राजा दशरथ जी ने कभी देवी कौशल्या को नहीं बताया कि मुझे श्रवण कुमार का श्राप है कि मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। ये बात आज बता रहे हैं। अगर राम नहीं तो दशरथ के प्राण नहीं। राम बन को जा रहे हैं, उनके साथ मेरे प्राण ही निकलते आ रहे हैं। हे राम की मैया, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। देवी कौशल्या ने कहा, प्रभु आप सूरवीर राजा हैं, पराक्रमी राजा हैं, धैर्यवान राजा हैं, अपने प्राणों को रोकिए, राम 14 वर्ष के बाद आएंगे, आपको उतनी ही प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन दशरथ जी ने कहा, नहीं देवी, मैं प्राणों को नहीं रोक सकता। और आज तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, देवी मुझे वो श्राप आज ज्ञात हो रहा है जो श्राप मुझे श्रवण कुमार ने दिया था। और अपनी पूरी गाथा बताई कि एक बार मैं शिकार खेलने गया और वहीं पर श्री श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके माता पिता को प्यास लगी और उनका पुत्र शब्द वेदी जहां से मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे थे जल के, मुझे ज्ञात हुआ कि कोई सिंह यहां पर पानी पी रहा है। तो देवी मैंने शब्द वेदी बाण मार दिया, जाकर के श्रवण कुमार के हृदय में लगा। और जैसे श्रवण कुमार के हृदय में वह बाण लगा और हाय मां तो मैं गया। मैंने देखा, हे राम की मैया, मुझे बड़ा ही दुख हुआ, अपार दुख हुआ। मैंने श्रवण कुमार को अपनी गोदी में लिया। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, हे राजन, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, शायद प्रभु ने मुझे आज तक के लिए भेजा था। लेकिन एक विनती है, मेरे अंधे माता पिता हैं जो प्यासे हैं, हे राजन आप ये जल लेकर के मेरे माता पिता को पिला देना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजन, अगर वो तुम्हें पहचान गए तो वो जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मैं वो जल लेकर गया माता पिता के पास श्रवण कुमार के। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने बेटे की आवाज नहीं सुन लेंगे, इस जल को ग्रहण नहीं करेंगे। हालात कुछ ऐसे थे कि देवी मुझे बताना पड़ा कि आपके पुत्र की मेरे द्वारा हत्या हो गई, गलती से बाण लग गया है। हे मैया, हे पिता, मेरे हाथों से पानी पी लो। लेकिन हे राम की मैया, हे देवी कौशल्या, उन अंधी अंधा ने जल को ग्रहण नहीं किया और मुझे श्राप दे दिया। हे राजन, तुमने बड़ा ही घनघोर अपराध किया है। हमारे बुढ़ापे की एक सहारा, बुढ़ापे की लाठी था हमारा बेटा, और तुमसे अपराध हुआ है। आज हम जैसे अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, प्राणों को त्याग रहे हैं, हे राजन ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राणों को छोड़ोगे।
राम की मैया, आज वो मुझे श्राप स्मरण आ रहा है। आज तो जाना है, श्राप दिया, मुझे दुख नहीं हुआ था क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं थी। उस समय मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे प्रसन्नता हुई थी। जिसके राम राम कहते कहते ऐसे सूरवीर राजा यशस्वी राजा दशरथ जी ने महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज अयोध्या में वही हाल है जहां पर खुशियां थी, राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे। आज तो वह सूरवीर राजा दशरथ जी ऐसा लगा जैसे सूर वंश का सूर अस्त हो गया है, सूर वंश का सूर डूब रहा हो। देखे सब कहते हैं बुढ़ापे में बेटा का सहारा होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं, बुढ़ापे में बेटे का सहारा होना चाहिए, बेटा जरूरी है। लेकिन राजा दशरथ जी के महाराज चार चार बेटे थे, लेकिन जब अंतिम समय आया, मृत्यु का समय निकट आया, महाराज एक भी बेटा सामने नहीं था। राम लक्ष्मण वन में है, भरत भैया और शत्रुघ्न जी ननिहाल में, एक भी बेटा नहीं था। राम राम कहते दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ दिया, बेटा कोई नहीं। महाराज संसार की विडंबना यही है, जो आता है वो जाता है, अकेले आता है और अकेले ही जाता है।